आप सबका फिर एक बार स्वागत है डेली अपडेट पे क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। और भारत के सेलेक्टर्स ने दुलीप ट्रॉफी के 4 स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं पहले राउंड के लिए। और ये स्क्वाड्स काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना रविचंद्रन अश्विन है। उसके अलावा जो है संजू सैमसन और रिंकू सिंह भी इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, और क्योंकि शायद वो पहले राउंड के मैचेस हैं। स्क्वाड्स पर नज़र डाल देते हैं एक बार, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि स्क्वाड क्या है। यह है चारों स्क्वाड, अगर आप देखें, फुल स्क्रीन ले लेता हूँ इसको। चारों स्क्वाड को अगर आप देखें तो शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं एक टीम की, एक टीम की कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन कर रहे हैं, और एक टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं, और एक टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि श्रेयस अय्यर को एक टीम की कप्तानी दी गई है और उसी टीम में ईशान किशन को भी शामिल किया गया है। तो मतलब आप समझ जाइए कि इन दोनों के पास एक बहुत बड़ा मौका है अपने करियर को रिसरेक्ट करने का, इंटरनेशनल करियर का। श्रेयस अय्यर तो हाल ही में श्रीलंका भी गए थे खेलने के लिए, पर एक हद तक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को रिसरेक्ट करने का। ऋषभ पंत जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टीम बी में, ऋषभ पंत को ऐसा है कि ऋषभ पंत को कोई भी लीडरशिप रोल नहीं दिया गया है। तो मतलब ऋषभ पंत चोट के बाद, एक्सीडेंट के बाद पीछे चले गए हैं, पर शुभमन गिल काफ़ी आगे आ गए हैं, और इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प है। और एक नाम जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ही दिलचस्प है कि शार्दुल ठाकुर का नाम किसी भी स्क्वाड में नहीं है। मतलब शार्दुल ठाकुर अब भारत के टेस्ट सिलेक्शन के लिए भी उतने नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बात है इस पूरे सिलेक्शन के बारे में कि पहले राउंड के बाद शायद काफ़ी खिलाड़ी जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए उनका चयन हो जाएगा, तो शायद आप काफ़ी नाम यहाँ से हटते हुए नजर आएंगे और भी नाम आएंगे, तो शायद तब आप शार्दुल ठाकुर, संजू सैमसन, रिंकू सिंह इन सबका नाम देख सकते हैं लिस्ट में। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है ये जो सिलेक्टर्स ने चुना है, और ये बताता है आपको कि किस दिशा में जो है सिलेक्टर्स सोच रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के मामले में। काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में नज़र नहीं आते हैं, जैसे अभिमन्यु ईश्वरन या शाश्वत रावत, ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इस लिस्ट में। और भी खिलाड़ी हैं जिन पर हम लगातार नजरें बनाए रखेंगे। सरफराज खान आईपीएल में नहीं थे, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं भारत के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर उनका चयन हुआ है, वो जिम्बाब्वे में भी जाने वाले थे पर आखिरी वक्त पर उनको हटना पड़ा उस दौरे से चोट के कारण। यहाँ पर भी उनको हटना पड़ सकता है चोट के कारण, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपको एक अंदाज़ा बताता है कि भारत के सेलेक्टर्स किस दिशा में जा रहे हैं यहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट के मामले में। तो ये तो थी दुलीप ट्रॉफी की बातें, और भी जो एनालिसिस है उसमें कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। ये आपको बता दें कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और बेंगलोर, ये दो जगह पर होने वाला है ये पहला राउंड। और इस बार फिर एक बार दुलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट बदला है, इन द सेंस कि पिछले साल तक वो नॉर्थ जोन साउथ जोन उस तरह से कर रहे थे और पिंक बॉल से था, पर इस बार लाल गेंद से होगा, पर वो ABCD उस तरह से 4 टीमों के बीच में मुकाबले होंगे। तो ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज जो भारत के सेलेक्टर्स ने किया है। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट जिसकी खबर अभी अभी थोड़ी देर पहले आई है वो है कि मॉर्ने मॉर्कल को जो है अपॉइंट कर दिया गया है भारत के बॉलिंग कोच के तौर पर। गौतम गंभीर ने उनका नाम रेकमेंड किया था एज बॉलिंग कोच, और उनके साथ साथ विनय कुमार का भी नाम था, पर चूंकि गौतम गंभीर ने जोर शोर से उनका नाम रेकमेंड किया गया था तो इसलिए गौतम गंभीर के इस रिकमेंडेशन पर उनको अपॉइंट किया गया था। और उसके अलावा जो है बता दें आपको कि जय शाह ने ये रिकमेंडेशन ये कंफर्म किया कि सितंबर 1 तारीख से उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, और तो मतलब अब गौतम गंभीर का जो सपोर्ट स्टाफ है पूरी तरह से तैयार, कोचिंग स्टाफ जो है वो तैयार हो चुका है। उनके साथ असिस्टेंट कोचेस अभिषेक नायर और रायन टेंडर्स काटे हैं, और मॉर्ने मॉर्कल होंगे बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच होंगे टी दिलीप। और ये इसके पहले मॉर्ने मॉर्कल जो है वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, और पिछले साल ODI वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने जो है अपनी पद से इस्तीफा दिया था। तो ये तो थी बात मॉर्ने मॉर्कल को लेकर।
और आने वाले दिनों में और भी बदलाव होंगे, बताएंगे उसके बारे में। जैसे बदलाव हुआ है बांग्लादेश और इंग्लैंड सीरीज में वेन्यूज़ को लेकर, बांग्लादेश के T20 अब ग्वालियर में होगा और इंग्लैंड के जो T20 मुकाबले हैं जनवरी में वो उसमें थोड़ी बदलाव की गई है। वो तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है, आपको क्या लगता है दिलीप के इस चयन को लेकर और जो मॉर्ने मोकल का अपॉइंटमेंट हुआ उसको लेकर? उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाइए। गुड बाय फॉर नाउ।